देखो हम डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे ना। डिस्पर्शन क्या होता है? ये तुम्हारा जेई एडवांस में नहीं है, इसको लिख देना है ना। छोटा सा टॉपिक है, एक घंटे का, सिर्फ जेई मेंस के लिए है। लिख लो डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? स्प्रेड कर दें उसको, तो टॉर्च भी स्प्रेड करती है, लाइट ऐसे स्प्रेड हो रही होती है, तो वो भी डिस्पर्शन है। मतलब वाइट लाइट को उसके कलर्स में है ना ब्रेक करते हैं, उसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं। तो देखो डिस्पर्शन इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, तो देखो होता क्या, एक रिलेशन है म्यू जो होता है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पढ़ा है अभी तक, तो हम देखते थे कि वो मीडियम के साथ चेंज होता है। जैसे एयर का 1 था, गिलास का क्या था 3/2, वाटर का क्या था 4/3, पर वो सिर्फ मीडियम के साथ चेंज नहीं होता। एक पर्टिकुलर मीडियम ले लें जैसे वाटर है ना, तो वाटर का 4/3 हमेशा नहीं होता। वो हम जो पढ़ रहे थे वो बताएं एवरेज था, वाटर के लिए एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था। एक्चुअली वो अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, वो मीडियम पर तो डिपेंड करता है, पर उसके साथ वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट है उस पर भी डिपेंड करता है। और वो रिलेशन कुछ ऐसी होती है, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। ये तुम्हारी कहलाती है काउची रिलेशन। यहाँ पे ए और बी क्या है, कोई कांस्टेंट है, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें देख के इतना पता चल रहा है कि अगर मैं लैम्डा को इंक्रीज करूँगा तो म्यू डिक्रीज होगा, इतना मेरे लिए काफ़ी है ना। जिस तरह से मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाऊंगा वैसे वैसे म्यू कम होगा। मतलब जैसे अपन जानते हैं, अगर अपन विजिबल लाइट की बात करें तो ब्रॉडली हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं उसको। जब अपन इस डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज करता है और म्यू क्या करेगा, डिक्रीज। मतलब अगर वेवलेंथ की बात करें तो रेड लाइट की वेवलेंथ वायलेट लाइट से ज़्यादा होती है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वायलेट लाइट का है ना। तो वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट से ज़्यादा होगा। सिंपल सा बस इतना ध्यान रखना है कि लैम्डा को इंक्रीज करेंगे तो म्यू डिक्रीज होगा, सिर्फ ये ध्यान रखना है तुमको। लिख लिया? ठीक है, तो मान लेते हैं रिफ्रैक्शन कराते हैं मैं ना, कोई भी मीडियम में एयर मान लो, वाटर मान लेते हैं, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, वाटर का है ना। कोई भी वाइट लाइट तुमने बताया डाली है ना, वाइट लाइट आ रही है मान लो, तो वाइट लाइट मतलब बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है ना, तो क्या होगा, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगी तो कुछ ऐसी दिखेगी क्या, सोच के बताओ, यही सीन होगा क्या। अब इसको सिर्फ एक लाइट मत देखो, इसको कोई एक रे से मत देखो, समझो कि ये बहुत सारी एक ही रे के साथ बहुत सारी लाइट्स अलग अलग हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, रेड कलर भी है, ग्रीन कलर भी है, वायलेट कलर भी है, येलो भी है, बहुत सारे कलर्स हैं, तो क्या होगा बताओ, रिलेशन क्या होता है। चलो तुम्हारा, तुम रुकोगे तो रिलेशन क्या लगोगे, एयर का 1 लिख दिया साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। अब साइन आर तुम्हारा क्या है, साइन आई वाई म्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, आर नॉर्मल से बनाते हैं ना, तो क्या बोल रहा है ये, आई तो चलो सबके लिए सेम हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सबके लिए सेम है, तुमने एक रे डाली वाइट कलर की लाइट, पर देखो ये क्या बोल रहा है, जो रिफ्रैक्शन का जो एंगल होगा वो म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका म्यू ज़्यादा उसका आर कम, और किसका म्यू ज़्यादा होता है, वायलेट का, तो वायलेट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा। तो ये सिर्फ तुम्हें एक रे नहीं दिखेगी, एक्चुअली ये तुम्हें कुछ ऐसी स्प्रेड होती हुई दिखेगी है ना। एक तो ये है, ये तो तुम्हारी इंसिडेंट वाली थी, तो तुम्हें कुछ ऐसे स्प्रेड होती हुई दिख जाएगी। ये तुम्हारी वायलेट लाइट हो गई और ये तुम्हारी रेड लाइट हो गई, दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। ये वायलेट के लिए रिफ्रैक्शन का एंगल हो गया और ये रेड के लिए हो गया, क्लियरली, क्योंकि वायलेट का म्यू ज़्यादा है रेड से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा, रेड वाले का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वायलेट वाले से ज़्यादा होगा। तो ये तुम्हारी स्प्लिट कर गई ना कलर्स में,
अब वाटर के अंदर तुम्हें वाइट लाइट दिखाई नहीं देगी, बहुत सारे कलर्स दिखाई देंगे तुम्हें, है ना। अब ऐसा असलियत में तुम देखते नहीं हो, वो भी बता दूंगा, लिखो पहले, और कोई डाउट हो तो पूछो। और ये बाकी के कलर्स इसके बीच में होंगे उसी ऑर्डर में, है ना जी। और तो ये कलर्स में ब्रेक हो गई लाइट, तो डिस्पर्शन समझ में आ गया होता क्यों है, रीज़न क्यों स्प्लिट होती है वो। देखो अगर क्रिटिकल एंगल की बात करें ना, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है रे, तो एक क्रिटिकल एंगल होता है ना, उस एंगल पे उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो क्रिटिकल एंगल कैसे है, जैसे अपन जाती है, मान लो वाटर से ही मान लेते हैं ना, वाटर के अंदर से तुमने वाइट रे डाली, वाइट लाइट वाटर के अंदर से डाल रहे हो मान लो तुम, तो क्या हो गया, ये एंगल आई है तुम्हारा, है ना। अगर तुम्हें मान लो ये लाइट तुमने क्रिटिकल एंगल पे डाली है ना, तो वैसे रिलेशन क्या होता है, जैसे वाटर है तो इसका म्यू लिख देंगे, सामने वाले का वन लिख देंगे। और जब तुम क्रिटिकल एंगल पे डाल रहे होगे, उस समय रिफ्रैक्टेड रे किस एंगल पे जाएगी, 90 डिग्री पे, यही होता है। तो अपन क्या लिखते थे, रिलेशन म्यू इंटू साइन थीटा सी, मान लो तुम क्रिटिकल एंगल पे डाल रहे हो ना, आई क्रिटिकल एंगल, म्यू इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू, इसका म्यू कितना है, वन इंटू साइन 90 डिग्री। तो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल कितना निकल के आता था, अब यहाँ पे कुछ समझ रहे हो। अब तो हमें पता है कि भाई हर एक कलर के लिए म्यू अलग अलग है, तो अगेन जिसका म्यू ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, किसका म्यू ज़्यादा है, वायलेट का। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, एग्जाम में ये कन्फ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए किसका म्यू ज़्यादा, इसलिए मैंने वो काउची रिलेशन बता दी है, अगर कभी भूल जाओ तो। लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेमडा तो और हमको याद होता ही है, ये तो बहुत सारी जगह पढ़ते हैं, म्यू बी ग्रेटर देन म्यू आर, तो किसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा फिर, रेड वाले का ज़्यादा होगा, तो रेड वाले के लिए क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है वायलेट वाले से। तो हर एक रे के लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग होगा, आई बात समझ में, लिखो जल्दी से, मतलब हर एक कलर के लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग होगा। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते ना, ये मीडियम में मान लो ना, ये तुमने वाइट लाइट डाली, डब्ल्यू से देखा था, वो समझ जाना है ना वाइट, और इसको मैंने डाला है थीटा सी वी पे डाला है, किसके क्रिटिकल एंगल पे डाला है मैंने, वायलेट के, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ रे यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, कुछ रे यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, तो आइडेंटिफाई करो कौन सी वायलेट है और कौन सी रेड है। और मान लो कुछ ऐसी जाती हुई दिखाई दे रही है, तो बता दो कौन सी रे कौन सी है ना, और हो सकता है इनमें से कोई तीन, इन तीन में से कोई एक पॉसिबल भी ना हो, तो कौन सी पॉसिबल नहीं है और कौन सी पॉसिबल्स है, विजिबल रीजन में बात कर रहे हैं, नीचे वाली पॉसिबल नहीं है, और ये कौन सी होगी। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वायलेट होगी, क्योंकि वायलेट का क्रिटिकल एंगल पे डाला है तो वायलेट 90 डिग्री पे जाएगी, तो ये तो तुम्हारी वायलेट हो गई। अब रेड, रेड की बात कर रहे हैं, तो रेड ये वाली होगी या ये वाली होगी, तो देखो रेड का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, मतलब ये जो अगर रेड लाइट के लिए बात करें, रेड लाइट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो अभी रेड के ये जो एंगल है, ये जो भी एंगल है से 30 डिग्री वगैरह, मान लो ये एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल मान लो 45 डिग्री है, समझ रहे हो, और तुम रेड लाइट के लिए बात कर रहे हैं, तो रेड का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है ना, और तुम कितने पे डाल रहे हो अभी 30 डिग्री, मतलब रेड के लिए तो तुमने क्रिटिकल से कम पे डाला है ना, तो रिफ्लेक्शन ही होगा, रिफ्लेक्शन तो तब होता है जब तुम क्रिटिकल से ज़्यादा पे डालते हो, तो रेड लाइट के लिए तो ये वाला एंगल उसके क्रिटिकल से कम है ना, दिख रहा है क्या यहाँ पे, पक्का समझ में आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन होगा उसके साथ, तो ठीक है इसके साथ तो रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, आई बात समझ में, तो ये तुम्हारी रेड लाइट हो जाएगी, और ये रिफ्लेक्शन तो कोई करेगी नहीं, विजिबल रीजन में कोई भी रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, क्योंकि वायलेट का क्रिटिकल एंगल मिनिमम होता है। बना लो इसको, अगला क्वेश्चन ये ले लो, ऐसे मान लो अगला वाइट लाइट है, मान लो तुमने थीटा सी आर पे डाला है, इस बार रेड कलर के क्रिटिकल एंगल पे डाली हमने लाइट, तो क्या होगा बताओ, कौन कौन सी रे कहाँ जाएंगे, रेड कैसी जाएगी, रेड तो परपेंडिकुलर चली जाएगी, और यहाँ पर जाएगी कोई नहीं, क्योंकि
रेड का क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम है इस एंगल पे, बाकी सारी लाइट उसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है वह। मतलब जैसे वायलेट की बात करें, मान लो ये 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो तुम कितने पे डाल रहे हो? 45 डिग्री पे। और वायलेट लाइट के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? 30 डिग्री, और तुम डाल रहे हो 45 डिग्री पे। मतलब वायलेट के लिए तुमने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे डाला है ना, और जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे डालते तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो वायलेट लाइट के साथ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो वायलेट लाइट तुम्हारी ऐसी चली जाएगी और बाकी सारी लाइट इसके बीच में होगी। देख लो कोई डाउट हो तो, सिंपल सा है बाकी। तो इसी तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अंश आ रहा है? बढ़े आगे। जेई मेंस के पैकेज में प्रिज्म के क्वेश्चन मिले थे, मतलब जेई मेंस का जब कर रहे थे, हो गए थे वो क्वेश्चंस। चलो अब हम बात करते हैं थिन प्रिज्म की, है ना। अगर थिन प्रिज्म को रख दें तो क्या होगा? थिन प्रिज्म के बारे में हमको क्या पता है? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है इसमें? म्यू माइनस वन इंटू ए, है ना। और ये इंडिपेंडेंट होता है, तुम किस एंगल पे डाल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लाइट को इस एंगल से डेविएट कर देता है। अब देखो, फिर देखो, जहां जहां म्यू आएगा वहां हर जगह डिस्पर्शन का कुछ हो जाएगा। तो अब क्लियरली वायलेट का म्यू रेड से ज्यादा है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो थिन प्रिज्म होगा वो किस लाइट को ज्यादा डेविएट करेगा? वायलेट लाइट को रेड से ज्यादा डेविएट करेगा। तो रख देते हैं एक थिन प्रिज्म को हम। अब तुमने यहाँ पे किसी लाइट को डाला है ना, वाइट लाइट को डाला हमने, तो क्या होगा? क्या सिर्फ एक ही लाइट डेविएट होकर आएगी? अब तो हमको पता है ना, अलग अलग कलर को अलग अलग एंगल से डेविएट करते हैं, तो कौन सी सबसे ज्यादा डेविएट होगी? वायलेट वाली सबसे ज्यादा डेविएट हो जाएगी, सिर्फ वायलेट वाली ऐसी चली गई। और रेड वाली कैसे जाएगी? कुछ फिर ऐसे जाएगी। ये एंगल ऑफ डेविएशन किसका हो गया? रेड का। और ये एंगल ऑफ डेविएशन किसका हो गया? क्लियरली वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन रेड से ज़्यादा है। तो प्रिज्म भी स्प्लिट कर देता है लाइट को, ये तो तुम्हें पता होगा। अब देखो इसमें ये चीज़ होती है ना, ये जो एंगल है थीटा, ये बड़ा है, इसको थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। ये तुमको क्या आइडिया देता है कि मतलब जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स थे, एक्सट्रीम कलर्स कौन कौन से हो गए? रेड और वायलेट, उसको कितना स्प्रेड कर दिया, समझ में आ रहा है? मतलब 30 डिग्री स्प्रेड करा या फिर 45 डिग्री स्प्रेड करा, ये बताता है, ये तुम्हें इस चीज़ का आइडिया देता है थीटा। और ये थीटा होगा क्या, देख के बताओ जरा। डेल वी माइनस डेल आर। तो हम देख लेते हैं थीटा किस पर डिपेंड करता है। डेल वी को क्या लिख सकते हैं अपन? म्यू वी माइनस वन इंटू ए, ये तो सबके लिए सेम होगा यार, ये तो प्रिज्म का एंगल है, माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए। ए को कॉमन ले लेते हैं, तो देखो अब दिख रहा है क्या, और माइनस वन से माइनस वन कट जाएगा, क्या आ रहा है तुम्हारा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो अब तुम देख लो थीटा किस पर डिपेंड करता है ना। जैसे एक गिलास ले लें, उसमें अगर तुम्हें एंगुलर डिस्पर्शन बढ़ाना है तो म्यू वी और वी आर तो एक गिलास के लिए कॉन्स्टेंट होंगे, पर ए जितना ज़्यादा तुम प्रिज्म का एंगल ले लोगे उतना ज़्यादा डिस्पर्स करेगा, उतना ज़्यादा मतलब स्प्रेड कर देगा उसे, थीटा उतना ज़्यादा हो जाएगा हमारा। ये ध्यान रखना है ना, एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर, इसको हम बताएं ओमेगा से डिफाइन रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिफाइन किस तरह से करा है? डिस्पर्सिव पावर थीटा बाय डेल। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगुलर डिस्पर्शन। और डेल क्या है तुम्हारा? मीन डेविएशन। अब डेविएशन भी हर एक कलर के लिए अलग अलग होता है ना, वायलेट के लिए अलग होता है, रेड के लिए अलग होता है, तो मीन डेविएशन लेते हैं ना। अगर मीन डेविएशन गिवन नहीं होता तो येलो का ले लेते हैं, येलो बीच में आती वहीं गई विप जी और के, है ना, मीन डेविएशन। तो ये आइडिया क्या दे रहा है डिस्पर्सिव पावर? ये मतलब कि कोई प्रिज्म है तुम्हारे पास, है ना, तो उसके बारे में बताता है कि वो कितना डिस्पर्स कर सकता है, ये उसकी आइडिया देता है ना कि इसकी इतनी डिस्पर्सिव पावर है। तो वो सिर्फ थीटा पे डिपेंड नहीं करती कि भाई उसने 45 डिग्री कर दिया, 45 डिग्री करा पर उसमें मीन डेविएशन कितना था उस पर भी डिपेंड करता है। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, डिस्पर्सिव पावर पर मीन डेविएशन,
क्लियर है क्या वाली चीज? ठीक है, तो इसका हम बताएं और देखते हैं और हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको। हम ओमेगा को अपन क्या, थीटा को अपन ने क्या लिख दिया था, डेल वी माइनस डेल आर। और इसको मीन डेविएशन के लिए हम बताएं, इसको हम बोल सकते हैं येलो का, ठीक है, येलो क्योंकि वहीं कहीं बीच में आता है। अब इसको अपन क्या देख सकते हैं, डेल वी माइनस डेल आर को अपन ने याद करो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये लिखा था अभी कन्वर्ट करा था। इसको क्या ले सकते हैं, म्यू बाय माइनस वन इंटू ए, डेविएशन का फॉर्मूला, ए से ए चला गया। तो अगर तुम्हें म्यू वी म्यू आर और म्यू वाई दिए तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो तुम एंगुलर डिस्पर्शन को, ठीक है। तो इसके लिए दोनों याद रखना, दोनों तरीके याद रखना, थीटा बाय डेल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू बाय माइनस वन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए फॉर्मूला, दोनों याद रखो। अब देखो कई बार क्या हो सकता है, तुम्हें वायलेट का म्यू दे देंगे, रेड का म्यू दे देंगे, अगर येलो का दे देंगे तो यूज़ कर देना। और मान लो वायलेट और रेड का दे दिया और येलो का म्यू नहीं दिया तो क्या करोगे, मीन निकाल लेना है ना, ये ध्यान रखना। इफ म्यू वाई इज नॉट गिवन, इसको क्वेश्चन में नहीं दे बोलोग तो कैसे निकालेंगे म्यू वाई को, हम म्यू बी प्लस म्यू आर बाई टू, हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन मान लेंगे कि वो इन दोनों का एवरेज है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखो हमें ऐसा बताएं, अब जो ये इस तरह के डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को डिस्पर्स भी करते हैं और डेविएट भी करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। डेविएट में करना मतलब इंसिडेंट रेस, जो इंसिडेंट डायरेक्शन था उससे कुछ टर्न कर दिया, वो डेविएशन है। डिस्पर्शन का क्या मतलब है कि अलग अलग कलर में ब्रेक कर दिया उसको। अब मान लो कई बार हमको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जो डिस्पर्स करे लाइट को पर डेविएट ना करे, समझे हो, मतलब लाइट आ रही है ऐसे पैरेलल आ रही है और हमें बस ऐसा चाहिए आउटपुट में बस हमें अलग अलग कलर दिख जाए पर कोई डेविएशन ना हो, मतलब किसी एंगल पे टर्न ना करे। मान लो इस तरह का कोई डिवाइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो तो लिखो डिस्पर्शन विदाउट मीन डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट मीन डेविएशन, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं, इस तरह के सिस्टम को हम डायरेक्ट विजन प्रिज्म भी बोलते हैं। तो हम ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, दो प्रिज्म को साथ में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, दो प्रिज्म को यूज़ कर लेंगे और हमें क्या चाहिए, डिस्पर्शन विदाउट मीन डेविएशन, मतलब मुझे डेविएशन को जीरो करना है। तो हम क्या करेंगे, दो प्रिज्म यूज़ करेंगे, मान लो एक का डेविएशन डेल वन है, दूसरे का मीन डेविएशन क्या है डेल टू, समझ जाना वो मीन डेविएशन की बात कर रहा है ना। यहाँ पे हम जितना भी एनालिसिस कर रहे हैं सारे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, तो हमें इसको क्या कर देना है, जीरो कर देना, समझ भाई बात। तो डेल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस डेल वन, और डेल को तुम लिखते कैसे हो, म्यू टू माइनस वन इंटू ए इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू वन माइनस वन इंटू ए, डेल ऐसे लिखेंगे म्यू माइनस वन इंटू ए, तो ए से ए कट गया, बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, म्यू टू ये माइनस प्लस वन हो जाएगा प्लस टू, हाँ तो ठीक है, जो भी रिलेशन आ गई कुछ इस तरह की रिलेशन आ गई है ना हमारी। तो एक मिनट जाओ, हम तो अलग अलग प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी अलग अलग लेंगे, ये कटेगा नहीं क्योंकि बिल्कुल अलग अलग प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, उनका म्यू भी अलग हो सकता है, उनका मतलब अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं तो अलग अलग म्यू होगा और उनका एंगल ऑफ प्रिज्म भी अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे ए टू लिख लेते हैं, यहाँ पे ए वन लिख लेते हैं, तो ए टू तुम्हारा क्या निकल के आ गया, माइनस ऑफ म्यू वन माइनस वन बाय म्यू टू माइनस वन इंटू ए वन, ठीक है। देखो म्यू वन म्यू टू दोनों किसी मटेरियल के हैं तो म्यू वन म्यू टू दोनों वन से ज़्यादा हैं, तो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो ये वाला एंगल नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो नेगेटिव एंगल बता क्या रहा है एक्चुअली में, हाँ ये बता रहा है कि भाई जो दूसरा प्रिज्म तुम यूज़ कर रहे हो, जैसे पहला प्रिज्म ये है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और एंगल ऑफ प्रिज्म ए वन है, ए टू नेगेटिव निकल के आ रहा है, वो कहना चाह रहा है कि दूसरे वाले प्रिज्म को उल्टा यूज़ करो क्योंकि तुम्हें डेविएशन को ख़त्म कर देना है ना, तो दूसरा वाला प्रिज्म कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं हम, ये ए टू हो गया और ये तुम्हारा मी टू हो गया, मतलब मान लो किसी एक ने 30 डिग्री टर्न करा तो दूसरा वाला इस तरह से लिया है कि वो एक ने 30 डिग्री क्लॉकवाइज करा तो दूसरा वाला 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दे, तो तुम्हारा डेविएशन खत्म हो गया ना, समझ में आ गया क्या। तो इस तरह से तुमने डेविएशन को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, पर इसमें डेविएशन जीरो हुआ है, डिस्पर्शन जीरो नहीं हुआ। अब देखते हैं डिस्पर्शन क्या होगा इस केस में, यहाँ तक समझ में आया क्या पहले, देखो ठीक है, देखो अब यहाँ पे डिस्पर्शन कितना हो जाएगा ना, तो डिस्पर्शन की बात करते हैं अपन,
तो नेट डिस्पर्शन क्या हो जाएगा, थीटा वन प्लस डिस्पर्सिव, हम डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं ना, एंगुलर डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं ना, तो थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। और हमारा थीटा होता क्या है, हमने ओमेगा पढ़ा, तो ओमेगा क्या होता था हमारा, थीटा वाई डेल, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल। तो नेट डिस्पर्शन कितना हो जाएगा इस सिस्टम में, ओमेगा वन डेल वन प्लस ओमेगा टू डेल टू, और हमको पता है डेल टू क्या है तुम्हारा, माइनस डेल वन, तो डेल टू की जगह पे माइनस डेल वन रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू ओमेगा वन डेल वन प्लस ओमेगा टू माइनस डेल वन, तो ये बन गया तुम्हारा ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू डेल वन, ये तुम्हारा नेट एंगुलर डिस्पर्शन आ गया। और तो तुम डेल को रखना चाहो तो इन सब के टर्म में भी रख सकते हो, खैर वो क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा तुम उस हिसाब से रख लोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेट एंगुलर डिस्पर्शन, तो इस सिस्टम में डेविएशन नहीं है पर डिस्पर्शन है, और इतना डिस्पर्शन होगा। अगर मान लो थीटा तुम्हारा पॉजिटिव आ जाए तो तुम्हें डिस्पर्शन इस तरीके से दिखेगा, रेड वायलेट, या फिर इस तरीके से दिखेगा वायलेट, और हल्का सा तो देखो एंगल पे रहेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल पैरेलल हो जाए, बहुत हल्के से एंगल पे तो रहेंगे ही, क्योंकि अपन ने मीन डेविएशन को कैंसिल आउट करा है। तो कैसा दिखेगा सिस्टम तुम्हें अगर थीटा तुम्हारा पॉजिटिव होगा, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा सिस्टम दिखेगा तुम्हें, फर्स्ट वाला है ना। थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब ओमेगा वन ओमेगा टू से ज़्यादा होगा, मतलब इसकी डिस्पर्सिव पावर डोमिनेट कर रही है ना। तो जब देखा था अपन ने पहले वाले प्रिज्म से पास करा था तो रेड ऊपर आ रहा था और वायलेट नीचे आ रहा था, देखो डायग्राम बनाया है ना। तो जब अगर थीटा पॉजिटिव है मतलब ओमेगा वन क्या कर रहा है, ओमेगा टू पे डोमिनेट कर रहा है, तो तुम्हें ये वाला सिस्टम दिखेगा। और ये वाला कब दिखेगा, जब थीटा नेगेटिव हो जाएगा, या फिर जो सेकेंड वाला प्रिज्म है वो फर्स्ट वाले पे डोमिनेट कर जाए, उसकी इसकी डिस्पर्सिव पावर अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये जीतेगा ना, समझ रहे हो ना। ये वाला वायलेट को ज़्यादा नीचे करना चाह रहा था, ये वाला वायलेट को ज़्यादा ऊपर करना चाह रहा था, तो ये वाला जीत गया इस बार, ठीक है। आगे बढ़ते, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मान लो इस तरह का सिस्टम चाहते हैं जो लाइट को डेविएट तो कर दे पर कलर्स में ब्रेक ना करे, हमको वाइट लाइट ही चाहिए पर वो 30 डिग्री 40 डिग्री जितना भी डेविएशन चाहिए उतना डेविएट कर दे, इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करना है हमको। तो इस पर हमको किस चीज़ को ज़ीरो करना है, डिस्पर्शन को ज़ीरो करना है, एंगुलर डिस्पर्शन को ज़ीरो कर देना है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा वन प्लस थीटा टू, तो इसको तुम्हें ज़ीरो कर देना है। तो थीटा टू कितना हो गया तुम्हारा, माइनस थीटा वन, और इसको तुम कैसे लिख सकते हो, थीटा के लिख रहे थे अपन, डेल ओमेगा आया था है ना, डेल ओमेगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ओमेगा टू डेल टू इक्वल टू माइनस ओमेगा वन डेल वन। तो इस तरह का अगर तुम कुछ ले लोगे सिस्टम तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें चाहे तो तुम म्यू के टर्म में भी लिख दो इसको, तो इसको डेल को क्या लिख सकते हैं अपन, मी टू माइनस वन इंटू ए टू इक्वल टू माइनस ओमेगा वन म्यू वन माइनस वन इंटू ए वन। तो इस तरह से अगर तुम म्यू और ए वगैरह को डिज़ाइन कर लोगे कि इस तरह की रिलेशन फॉलो करें तो वो सिस्टम क्या करेगा, तुम्हारा डिस्पर्स नहीं करेगा पर डेविएट करेगा। नेट डेविएशन कितना निकल के आएगा वो निकालते हैं, कितना आएगा नेट डेविएशन, डेल वन प्लस डेल टू। अब डेल टू की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो बताओ, डेल टू इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, माइनस ओमेगा वन डेल वन बाय ओमेगा टू। तो डेल इक्वल टू क्या आ गया हमारा, डेल वन को कॉमन लेते हैं, वन माइनस ओमेगा वन बाय ओमेगा टू इंटू डेल वन, ये तुम्हारा नेट डेविएशन आ गया, देख लो। ठीक है, ये तो प्रिज्म के बारे में हो गया ना। तो प्रिज्म में दो तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, यही यूज़ करना आंसर निकल जाएंगे तुम्हारे। अब देखो लेंस की बात करते हैं, लेंस से अगर वाइट लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, तो मान लो ये तुम्हारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मान लेते हैं, इस पर अपन ने वाइट लाइट को इंसिडेंट कराया, वाइट लाइट को इंसिडेंट कराया, तो हमको पता है भाई इसका एक फोकस होता है, तो लाइट को तो उस पर जाके कन्वर्ज कर जाना चाहिए, तो यहाँ पर तो अलग अलग कलर नहीं दिखेंगे फिर, या दिखेंगे,
बताओ यहाँ पे एक ही कलर दिखेगा, मतलब एक ही वाइट स्पॉट दिखेगा कि बहुत सारे कलर दिखेंगे? तो देख लेते हैं इसका फोकस हमने कैसे डिफाइन करा था। वन वाई एफ इक्वल टू म्यू टू वाई म्यू वन, और मान लेते बाहर एयर है, सिंपल कर देते लो इसे, बाहर एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू टू कितना हो गया तुम्हारा, म्यू और एयर का कितना हो गया वन, एयर का वन हो गया ना, तो सीधा क्या लिख देंगे म्यू माइनस वन वन वाई आर वन माइनस वन वाई आर टू। तो यहीं से तुमको दिख रहा है सीधा सीधा आर वन और आर टू तो कॉन्स्टेंट है, वो तो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहे, पर अलग अलग लाइट के लिए म्यू अलग अलग होगा। किसका म्यू ज़्यादा होता है? वायलेट का। बस इस चीज़ को तुम्हें इस चैप्टर में याद रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। वायलेट का म्यू ज़्यादा, तो फोकस किसका ज़्यादा होगा? हमको पता है कि यहाँ पर भी मतलब डिस्पर्शन तो यहाँ पर भी होने वाला है, तो अब जल्दी से मुझे बता दो कौन सा बताएं वायलेट का फोकस है और कौन सा रेड का है। ये तुम्हारा किसका है? रेड का फोकस है, और ये तुम्हारा किसका है? वायलेट का फोकस है, और बाकी के सारे कलर्स विबजी और इसके बीच में आ जाएंगे, तो लेंस भी तुम्हारा डिस्पर्स करता है। ये जो डिस्पर्शन हो रहा है ना, ये जो एरर है एक तरह से, इसको हम क्या बोलते हैं? एल सी ए, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। मतलब फोकस हमारा शार्पली डिफाइंड नहीं है अलग अलग कलर की लाइट के लिए, सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसलिए हमने अभी तो इससे पहले जितना भी पढ़ा था सब कुछ मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए था। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक पर्टिकुलर कलर, वाइट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक, रेड इज मोनोक्रोमेटिक, ग्रीन इज मोनोक्रोमेटिक, येलो इज मोनोक्रोमेटिक, जो बिबजियोर में जो कलर्स होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक हैं, उसके अलावा कोई भी कलर मोनोक्रोमेटिक नहीं है ना, जैसे पिंक इज नॉट मोनोक्रोमेटिक। तो यहाँ पे ये क्रोमेटिक, क्योंकि हम तुमने वाइट लाइट डाली है, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ थी, तो हर एक वेवलेंथ के लिए फोकस अलग अलग है, तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एवरेशन। और इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं एल सी ए को, एफ वी माइनस एफ आर। अब हमको ये चीज़ निकालनी है, ये एल सी ए किसके बराबर होता है ना। मान लो इस लेंस का तुम्हें पता है डिस्पर्सिव पावर दी गई है तुम्हें ओमेगा करके, है ना, इस लेंस की डिस्पर्सिव पावर तुम्हें पता है ओमेगा, तो इसका एल सी ए कितना हो जाएगा? तो ठीक है करते हैं, तुम्हें एफ वी माइनस एफ आर निकालना है। एल सी ए निकालना मतलब क्या है? एफ वी माइनस एफ आर निकालना है, तो प्रूफ करते हैं ना, एल सी ए निकालने की कोशिश करते हैं। तो वायलेट के लिए तुम क्या लिख सकते हो इसको? वन वाई एफ वाई एफ वी इक्वल टू म्यू वी माइनस वन बाय वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। और रेड के लिए क्या लिख सकते हैं? म्यू आर माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये लिख सकते हैं। तो मुझे अगर एफ वी माइनस एफ आर चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर दूं, है ना, सेकेंड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस कर दूंगा तो क्या आ रहा है मेरे पास? वन बाई एफ आर माइनस वन बाई एफ वी इक्वल टू, ये तो कॉमन आ जाएगा, है ना, माइनस वन भी चला जाएगा, है ना, माइनस वन भी जा रहा है, तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास? म्यू आर माइनस म्यू वी, ठीक है, म्यू आर माइनस म्यू वी आ रहा है तुम्हारे पास, और क्या आ रहा है? और ये वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू क्या आ जा रहा है? कॉमन आ जा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? एफ वी माइनस एफ आर डिवाइडेड बाई एफ वी इंटू एफ आर, और म्यू आर माइनस म्यू वी आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसको मुझे ओमेगा में कन्वर्ट करना है। ओमेगा क्या होता है तुम्हारा? म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस वन था, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अपन क्या करते हैं? म्यू आर माइनस म्यू वी डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस वन, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ म्यू वाई माइनस वन इंटू वन वाई आर वन माइनस वन वाई आर टू। तो डिस्पर्सिव पावर लेंस में भी रहती है, पर लेंस में सीधा ये वाला फॉर्मूला लगता है डिस्पर्सिव पावर के लिए ना, वहाँ पे तुम थीटा बाई डेल करके नहीं लिखोगे लेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई थीटा नहीं है, ठीक है। तो लेंस के केस में डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला सीधा ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू आई माइनस वन, और वहाँ पे देखो सब क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देख लो ये वाली चीज़ क्या बन रही है तुम्हारी, ये क्या बन गया? वन बाई एफ वाई, येलो कलर का फोकस बन गया ना ये, और ये वाली चीज़ क्या बन गई? ओमेगा बन गई ये डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जो वायलेट मैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर रहा हूँ ना, एफ वी और एफ आर को मैं अप्रोक्सीमेटली एफ वाई का स्क्वायर लिख रहा हूँ,
अप्रॉक्सीमेटली ये इसके स्क्वायर हो इक्वल होगा, है ना, क्योंकि रेड का ज़्यादा है, वायलेट का थोड़ा सा कम है येलो से, है ना। वायलेट इज समथिंग लाइक फोकस किस तरह होता है, वायलेट, है ना, वायलेट इज लाइक एफ वाई माइनस समथिंग एंड रेड इज लाइक एफ वाई प्लस समथिंग, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको एफ वाई का स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब ये वाली चीज़ तुम्हारी क्या बन गई है, एफ वी माइनस एफ आर क्या बन गया, एल सी ए, यही तो चाहिए था तुमको। और नीचे क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेटली एफ वाई का स्क्वायर, ये क्या बन गया तुम्हारा, नहीं माइनस ओमेगा, ओमेगा इज म्यू वी माइनस म्यू आर, माइनस ओमेगा बन गया ये तुम्हारा। और ये क्या तुम्हारा बन गया, वन बाई एफ वाई। तो देखो तुम्हारा एल सी ए क्या निकल के आ गया, एल सी ए इक्वल टू माइनस ओमेगा, इस एफ वाई से दिख रहा है माइनस ओमेगा एफ। अब एफ वाई भी कुछ नहीं, वो तुम्हें एक फोकस दे देगा और उसको सीधा लगा देना, फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। तो एल सी ए इक्वल टू माइनस ओमेगा एफ, सीधा याद रखना एक फॉर्मूला लिख लो। देखो इसका एक आसानी से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसी सेम चीज़ को फटाक से प्रूफ करने का भी एक तरीका है हमारे पास, इस सेम चीज़ को। मेथड नंबर टू देखो इसकी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, वन बाई एफ क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई एफ स्क्वायर इंटू डी एफ इक्वल टू डी म्यू, और वन का तो जीरो गया और ये कॉन्स्टेंट है, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। देखो यही आएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, मैं यही चीज़ ड्राइव करने का सेकंड मेथड बता रहा हूँ, फटाक से निकाल सकते हैं। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, माइनस डी एफ बाई एफ इक्वल टू डी म्यू बाय म्यू माइनस वन, और ये तो कट गया है ना, तो डी एफ इज नथिंग बट एल सी ए, डी एफ ही तो तुम्हारा एल सी ए है, एल सी ए, और एफ तो एफ हो गया। और ये क्या है, देखो डी म्यू इज नथिंग लाइक म्यू वी माइनस म्यू आर, डी एफ इज लाइक एफ वी माइनस एफ आर एंड डी म्यू इज लाइक म्यू वी माइनस म्यू आर, तो म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन, ये क्या है तुम्हारा ओमेगा, तो एल सी ए क्या आ गया तुम्हारा माइनस ओमेगा एफ। तो फटाक से भी तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, देखो सारे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है ना, ठीक है। देखो तो एल सी ए आ रहा है तुम्हारा माइनस ओमेगा एफ, देखो ओमेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्पर्सिव पावर है वो, तो है ना, म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई माइनस, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, फोकस तो कोऑर्डिनेट है ना। अगर मान लो हमारा कन्वर्जिंग लेंस है ना, कन्वर्जिंग लेंस की बात करें अगर हम, तो उसमें हमारा एफ क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस के लिए, पॉजिटिव होता है, तो उस केस में हमारा एल सी ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा हमारा एल सी ए। इसका मतलब क्या है, एल सी ए इज नथिंग बट एफ वी माइनस एफ आर, इसका मतलब क्या है, एफ वी माइनस एफ आर नेगेटिव है मतलब लेस देन जीरो है, मतलब एफ वी तुम्हारा क्या है, लेस देन एफ आर। डायग्राम खोल के देखो, कन्वर्जिंग लेंस के लिए अभी हमने बनाया था, एफ वी देखो एफ आर से कम आ रहा है ना, वायलेट वाला फोकस पहले आ रहा है, रेड वाला बाद में आ रहा है, तो ये क्या सिस्टम है, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया रिजल्ट से। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल सी ए नेगेटिव हो जाएगा। पर यहीं पर अगर डाइवर्जिंग लेंस की बात करें, अगर हम डाइवर्जिंग लेंस के लिए एफ क्या होता है तुम्हारा, नेगेटिव, देख लो बना के देख लेते हैं, ये डाइवर्जिंग लेंस ले लो, तो कुछ ऐसे जाती है ना रेज तुम्हारी, तो हमें क्या दिखता है, ये कुछ ऐसे निकल रही होती हैं, तो हमें कुछ इस पॉइंट पे कन्वर्ज करती हुई दिखती हैं ये रेज ना, ऐसे रफ डायग्राम बना दिया मैंने, फोकस नेगेटिव होता है ना डाइवर्जिंग लेंस के लिए, ठीक है। तो एफ हमारा नेगेटिव है, तो एल सी ए क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव, एल सी तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। तो अब बताओ वायलेट और रेड कहाँ पे होंगे, मान लो दो अलग अलग डायरेक्शन में रेज जा रही है ना, तो कौन सा वाला वायलेट है कौन सा वाला रेड है, तो इससे तुम्हारा निकल के आ रहा है एफ बी ग्रेटर देन एफ आर, याद आता कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाला कौन सा है वायलेट, और ये वाला कौन सा है तुम्हारा, है ना, ये मान लो माइनस थ्री है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस फाइव, तो माइनस थ्री माइनस माइनस फाइव पॉजिटिव आएगा ना, अब इतनी मैं साथ ही तुम्हें बना लो, हाँ ये हो गया ना। अब मान लो हम चाहते हैं हम अपने, ये तो हो गया, ये हमें पता चल गया भाई ये वाला एरर होता है, क्यों होता है वो भी पता चल गया हमको, अब हम चाहते हैं कि इस एरर को ख़त्म करना है, तो ख़त्म कैसे करें, तो हम अपने सिस्टम को एक क्रोमेटिक बनाना चाहते हैं। एक क्रोमेटिक बनाने का मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा एल सी ए कितना हो जाए,
जीरो, एल सी मतलब डी एफ, एफ बी माइनस एफ आर, हम चाहते हैं कि हमारा एल सी ए क्या हो जाए, जीरो। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस बार हम दो तरह के लेंसेज की कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं। तो क्या करो, दो लेंस यूज़ कर लो, मान लो दो लेंस यूज़ कर लिए अपन ने, एफ वन बोल देते हैं इसका, एफ टू बोल देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम जब कंबाइन करें तो हम चाह रहे हैं कि इन दोनों का कंबाइंड जो एल सी ए निकल के आए, मतलब इन दोनों का जो कंबाइंड डी एफ निकल के आए वो क्या हो जाए, हमारा जीरो हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसका नेट फोकस क्या होगा इस सिस्टम का बताओ, वन बाई एफ वन प्लस, यही लिखते हैं यार, ऐसे ही तो ऐड करते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट मार दो तो क्या आ जाएगा, डी एफ वाई एफ स्क्वायर माइनस माइनस डी एफ वन वाई एफ वन स्क्वायर माइनस डी एफ टू वाई एफ टू स्क्वायर आ गया, ठीक है। और क्योंकि तुम्हें नेट क्या करना है, नेट एल सी ए को जीरो करना है, मतलब नेट डी एफ क्या कर देना है, जीरो। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, आ रहा है समझ में, तो इससे क्या निकल के आ रहा है बताओ, तुम्हारा तुम्हारा निकल के आ रहा है डी एफ टू बाई एफ टू स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एफ वन बाय एफ वन स्क्वायर, ठीक है। डी एफ टू क्या है तुम्हारा, एल सी ए किसका, नेट एल सी ए नहीं है ये, ये सेकंड वाले का एल सी ए, और एल सी ए क्या होता है, माइनस ओमेगा, अभी अपन ने लिखा था ना, एल सी ए क्या होता है, माइनस ओमेगा एफ, तो जो भी एफ है वो ले लो। तो ये डी एफ टू एल सी ए है, इसको तुम क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा टू एफ टू, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा वन एफ वन, देख लो कोई डाउट है क्या। ये डी एफ टू इस वाले लेंस के लिए था, तो इस वाले लेंस की डिस्पर्सिव पावर इनटू इसका फोकस, तो क्या आ गया, देखो एफ टू से एफ टू गया, एफ वन से एफ वन गया, तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है, अरे एक ही जगह माइनस आएगा, दो मतलब एक माइनस था और फिर एक माइनस माइनस लगा दिया ना, ठीक है। तो ये वाले माइनस माइनस भी कट गए, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, क्या बन गया तुम्हारा, ओमेगा वन बाई एफ वन प्लस ओमेगा टू बाई एफ टू इक्वल टू जीरो, इस रिलेशन के याद रखना। अगर तुम्हें ऐसी कॉम्बिनेशन चाहिए लेंस की जो एक क्रोमेटिक हो, मतलब जो एल सी ए वाला जो एरर आ रहा था वो एरर ना आए, तो वो तुम्हारे लेंस इस तरह की रिलेशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे, ओमेगा वन बाई एफ वन प्लस ओमेगा टू बाई एफ टू जीरो हो जाएगा, तो तुम्हारी एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाएगी। ये तुम्हारा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म है ना, और उसका डिस्पर्सिव वाला पार्ट भी।